कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में देश के बारे में जो कुछ कहा और वहां उपस्थित लोगों से जो अपील की उसको लेकर भी वे काफी चर्चा में हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा था कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, मीडिया दबाव में है और न्यायपालिका पर भी केंद्र की मोदी सरकार जो है वो दबाव बना रही है। राहुल के इन्हीं बयानों को लेकर इन दिनों उन पर निशाना साधा जा रहा है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने अज्ञान का मास्टर है, उनको श्रीराम सद्बुद्धि दे, नहीं तो वह जिंदगी भर सियाराम में ही अंतर करता रहेगा, जबकि सियाराम राम से या राम सिया से अलग नहीं है। इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। इंद्रेश कुमार ने कहा कि ईश्वर कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि दे ताकि हम जिन विदेशियों से लड़कर यहां तक पहुंचे हैं सत्ता के लिए वह उनसे ही हाथ मिलाना बंद कर दें। हमने जिनसे सदियों तक लड़ाई लड़ी आज वह सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए उनसे मदद मांग रहे हैं, यानी वह भारत को गुलामियों की ओर ढकेल सकते हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर इन दिनों खूब हंगामा मचा हुआ है। उन्होंने जिस प्रकार से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत के बारे में जो कुछ कहा या फिर भारत में जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार इस समय शासन चला रही है उसको लेकर उन्होंने जिस प्रकार की आलोचनाएं की उसको लेकर वे काफी चर्चा में हैं। हालांकि राहुल गांधी हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने ही रहते हैं और एक बार फिर से उनसे कांग्रेस पार्टी और उन पर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी से माफी मांगने और खासकर राहुल गांधी को अपने बयानों के लिए माफी मांगने के लिए कह रही है। हाल ही में आपको लोकसभा और राज्यसभा में भी राहुल गांधी से माफी मांगने की अपील भाजपा द्वारा की गई। बीजेपी ने कहा कि जिस प्रकार का बयान राहुल गांधी ने लंदन में भारत के लिए दिया है वह निंदनीय है और राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी ही पड़ेगी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी के बयानों को लेकर भी खूब चर्चा है। एक पक्ष उनका सपोर्ट कर रहा है तो वहीं बड़ी संख्या में लोग उन्हें माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार का बयान दिया है वह लोगों को पसंद नहीं आया है। और राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि अगर उन्हें देश के बारे में कुछ कहना है, सरकार के बारे में कुछ कहना है, तो उन्हें देश में ही इसकी चर्चा करनी चाहिए, बल्कि विदेशों में जाकर नहीं करनी चाहिए। आप राहुल गांधी के बयान पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।